हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और हाँ, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट बनना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो छोटा सा काम क्या है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखना है ताकि छोटी सी छोटी चीज़ भी ना छूट पाए। तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इससे पहले के जितने भी टेंसेस हैं अभी तक के, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। मैंने सारी वीडियोस में एक चीज़ रिपीट की है, सारी वीडियोस में नहीं, सिर्फ परफेक्ट में। तो परफेक्ट वाले जो टेंसेस होते हैं उसमें क्या लगती है, अगर आपको याद होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसकी पहचान बता देती हूँ। हिंदी में इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इन वाक्यों के, अगर आप हिंदी वाक्य बना रहे हो, वो खाना खा चुका होगा, वो पानी पी चुका होगा, वो जा चुका होगा, कुछ भी ले लीजिए, चुका होगा, चुकी होगी से जिसका अंत हो रहा है, समझ लीजिए कि वो जो है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। पहली चीज़ क्लियर? रुकिए, यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरी हिंदी में पहचान आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वो आए होंगे, रामू शाम से मिला होगा, आ होगा, ई होगी, आ होगा, ए होंगे। इससे भी अगर वाक्यों का अंत हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो पहचान हो गई। अब मैं आपको तीसरे नंबर की पहचान बता रही हूँ, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा। इस तरीके की जितनी भी पहचाने हैं वाक्य के अंत में अगर ये लग रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन पहचाने बताई हिंदी में। ठीक है, आ आ होगा, ई होगा, उ आ आ ई ए होगा। ठीक है, होगा जरूर लगेगा लास्ट में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और तीसरी पहचान मैंने आपको क्या बताई, लिया होगा, दिया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से इसका अंत होगा, इन वाक्यों से, शब्दों से। अब मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ इंग्लिश में इसकी डिक्लिनेशन क्या है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी लगनी है और आपके इसमें लगेगा विल हैव, शैल हैव। अब विल हैव और शैल हैव में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि शैल हैव किसके साथ लगेगा, विल हैव किसके साथ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। विल हैव या शैल हैव में से एक चीज आपको उसमें लिखनी है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप जितना भी लंबा सेंटेंस बनाते रहिए, ये तीन चीज़ें आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। अब जो है आपको मैंने रिकग्निशन बता दी इंग्लिश में, अब विल हैव और शैल हैव का यूज बता देती हूँ। जो विल हैव है वो लगेगा सिंगुलर एक वचन के साथ, और आपका शैल हैव लगेगा प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। अब एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, यह आप जानते हो। सिंगुलर ही, शी, नेम, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। अब प्लूरल की बात कर लेते, प्लूरल क्या है, वी, दे, यू, आई। ठीक है, आई को भी हम, आई के साथ भी हम शैल हैव लगाएंगे। समझ गए हो, शैल हैव किसके साथ लगेगा,
विल हैव किसके साथ लगेगा, चाहो तो पेन कॉपी में नोट कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, अगर आप सबके साथ विल हैव लगाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में सब विल हैव का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शैल हैव का भी मैंने आपको यूज़ बता दिया, हालांकि मैं विल हैव का यूज़ करती हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बोल सकते हैं, पर समझ में आना चाहिए दूसरे के। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हनी सो चुकी होगी, हनी सो गई है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हम इसका इंग्लिश में हम इसको बनाएंगे, आप पहले से खुद ही सोच सकते हो क्या होगा इसका। हनी सिंगुलर है, नाम है तो नाम लिख दिया है, लड़की होती तो गर्ल शी लिख देती, ठीक है, यहाँ पे नाम पार्टिकुलर नाम दे रखा है, हनी विल हैव स्लेप्ट। भाई थर्ड फॉर्म क्या है स्लीपिंग की, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है वो आपको इसमें रखनी है, ठीक है। अब एक नेगेटिव ले लेते हैं, हनी रो नहीं चुकी होगी, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, हनी नहीं सो चुकी होगी, या हनी सोई नहीं होगी, ठीक है, ये सब जितने भी हिंदी में वाक्य हैं ना इनका सब एक ही मीनिंग निकल रहा है। तो हनी नहीं रो चुकी होगी, ठीक है, तो इसका आप कैसे बनाओगे, हिंदी में वाक्य ढूंढने बड़े मुश्किल से हो जाते हैं, तो जो मेरे माइंड में आता है मैं अपने तरीके से बना लेती हूँ, और वैसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से। हनी विल नॉट, हनी विल नॉट हैव स्लेप्ट, नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मूला, यानी हमने किस तरीके से फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट, नेगेटिव की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो नेगेटिव का आपका तैयार हो गया। अगर हम बोलें क्या हनी सो चुकी होगी, तो हम इसको क्या, ये अभी इंट्रोगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव आ गया, तो हम इसमें या फिर एक दूसरे तरीके से हम ले लेते हैं कि हनी क्यों सो चुकी होगी, हनी क्यों सो चुकी होगी, तो हम सबसे पहले जो बीच में हमने जो क्यों लगाया है ना इंट्रोगेटिव, उसको हम बीच में ले आएंगे, वाई हनी विल हैव स्लेप्ट, ठीक है। और अगर हम इसे कहेंगे हनी क्यों नहीं सो चुकी होगी, ठीक है, तो ये इसमें नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया, तो इसको कैसे बनाओगे, वाई हनी वाई वाई हनी वाई विल नॉट हनी हैव स्लेप्ट, दैट्स इट। तो इस तरीके से कुछ बड़े बड़े वाक्य आ जाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा हमारा दिमाग घूम जाता है, तो इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी क्या डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, कभी हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो उस ये सारे रूल्स हमको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो वीडियो बनाया वो बताया मैंने आपको आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तो आप सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें बातों बातों में समझ आ जाएगी,
और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन टूवर्ड्स दिस चैनल। इफ़ यू शेयर दिस वीडियो टिल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।